ब्लैक स्किन मोन चाहिए अमेरिकी क्रिकेट द्वारा लिखित निर्देश इसमें सैमुअल एल जैक्सन क्रिस्टोफर रिकी जिस्टन टीम मिलाइन अपने क्या यह फिल्म एक मिसिसिपी ब्लू चैन पकड़ने तैयार एक परेशान स्थानीय महिला को सड़क के किनारे बुरी तरह से पीटने जाने के बाद उसे निफोनिया के ठीक करने के प्रयास में घर में बंदी बना लेती है। फीलिंग ऑफ सी शीर्षक 27 में ब्लू आंदोलन में कई संदर्भ प्रदर्शित करती है, खासकर इसके शीर्षक साउंड ट्रैक्स में ब्लैक्स ने मोन की समीक्षाओं से मिली जुली पॉजिटिव समीक्षा मिली है। बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई जिसने 15 मिलियन के डॉलर के बजट के मुकाबले 10.9 मिलियन डॉलर की इस मूवी ने कमाई की थी। इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इसका अंग्रेजी भाषा थी, कार्यकारी समय था 116 मिनट। ढालना के बारे में बात की जाए तो लॉर्जस रेड के रूम में सैमुअल एल जैक्सन काम कर रहे हैं, रोल डोला के रूम में क्रिस्टियन रिक्की काम कर रही हैं, रोनी मॉर्गन के रूम में जस्टिन और टिम्बरलेक काम कर रहे हैं, जॉन क्रोथा जूनियर एरल के रूम में, एंजेला के रूम में एमाथा मार्कसन काम कर रहे हैं, तेरेन के रूम में डेविड बैनर काम कर रहे हैं, शेनडूला के रूम में किम रिचर्डसन, सोन हाउस के रूम में है लिंगा जेम्स के रूम में निम्सन के विलियम्स, गिल कार्टन के रूम में माइकल रेमंड जेम्स, रोज वुड्स के रूम में एडियन लेनाक्स, डेक वुड्स के रूम में लियोनार्डो एल थॉमस, जैके बॉफ बैट्समैन के रूम में है, जैसी के रूम में एमी लावेरी है, कैली के रूम में कलियर ग्रांट इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, चार्ली के रूम में चार्ल्स स्किप पिट्स इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म के लिए जैक्सन ने पूरे फिल्म में बचाए गए कई गानों के लिए ब्लूज गिटार भी गाना सीखे। मैं आधे साल तक प्रतिदिन 6 से 7 घंटे बिताए। रिक्की ने फिल्मांकन के दौरान वास्तविक की चैन पहनी और बीमार दिखने के लिए केवल बिना पोषण वाले मौके खाए। एंटरटेनमेंट भिखारी ने बताया कि जब कैमरा नहीं चल रहा था तो कपड़े पहना करती थी, वो कुछ कपड़े पहन लो, मैंने कहा नहीं समझ रहे तो कुछ महत्वपूर्ण काम कर रही है, वो इस तरह से उनसे बोला करती थी। क्रिस्टिमा रिक्की ने कहा कि कठोर दर्दनाक थे आंशिक रूप से, क्योंकि एक साथ कलाकार निर्मिता के रूप में उन्हें कोई मुझे चोट पहुँचा जा रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा हो रहा है, कठिनता मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन टीवी की गलती नहीं थी। रोटेन टोमेटोज ने 164 समीक्षाओं के आधार पर इसे 66.5 अनुमोदन की रेटिंग मिली, जिसे औसत 6.10 है। वेबसाइट का आलोचना मतलब सरमति ने लिखा कि निर्माण प्रदर्शन कुशल निर्देशन कलर ब्लूज साउंड ट्रैक्स ब्लैक स्नेक मोन को विचित्र आधार के आगे बढ़ाया। मोटोक्रॉक 64 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 62 के अनुरोध के आधार पर इस मूवी में काम दिया गया, जो इसे काफ़ी ज़्यादा सराहना के लिए सबसे अच्छी पास समझती है। इन्होंने इस मूवी में बखूबी निभाया और साथ दिया, जो इसे सभी मूवी में से अलग थलग बना देती है और इसे सबसे अच्छी मूवी में से एक की श्रेणी में सबसे ऊपर खड़ी करती है। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही, क्योंकि इसने जो बिजनेस किया वो अन्य किसी मूवी के बस की बात नहीं थी और इसने बखूबी सभी मूवियों को पीछे छोड़ दिया।